हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि कल जो पेपर हुआ था 5 तारीख का, 5 तारीख का जो पेपर हुआ था DBET CBT 2 का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन के बारे में अभी हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत और भी पेपर आगे आपके चलने वाले हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पेपर कैसा था इसका एनालिसिस अगर करेंगे तो पेपर जो था थ्योरी प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी, जिसके ऊपर क्वेश्चन बने थे, थोड़े डीपली क्वेश्चन बने थे, जो कि हम समझ रहे थे कि ऊपर ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, वो ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े डीपली। जिनका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है उनके लिए, जो पढ़ाई जिन्होंने अच्छे से की है डीपली सीख के, उनके लिए वो पेपर बना था। और थोड़ा अगर उसका लेवल देखा जाएगा पेपर का, तो थोड़ा हार्ड पेपर बना था। तो उसमें जो कल के पेपर में उन्होंने, जो कि शिफ्ट वन में पेपर हुआ था 9 से 9:45 के बीच में सुबह, और उसमें जो पेपर हुआ था टूल एंड डाई मेकर, डाइज एंड मोल्ड्स वालों का जो पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन बने थे थोड़े डिफ़िकल्टी, और अदर ट्रेड के भी क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए थे, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के उसमें 3 क्वेश्चन डाल दिए गए थे, जैसे कि इस पेपर में टूल एंड डाई मेकर, डाई एंड मोल्डिंग में वो इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन बन रहे अदर ट्रेड के भी क्वेश्चन आपके इसमें डाले जा रहे हैं, और पेपर का जो लेवल है थोड़ा हार्ड बनाया गया है, और इसमें से जो 30 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन, तो ये 30 क्वेश्चन ट्रेड प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर पूछे जा रहे हैं, और इसमें भी आपके ट्रेड के थ्योरी के अलावा बाकी की भी थ्योरी डाली जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो था इंडस्ट्री 4.0 का जो चैप्टर हमने देखा था, जो हमारे चैनल के द्वारा सीरीज चलाई गई थी इंडस्ट्री 4.0 की, तो उसमें जो कॉमन सिलेबस जो दिया था उन्होंने, इंडस्ट्री 4.0 का जो कॉमन सिलेबस था उसमें 5 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। कॉमन सिलेबस में इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, वो क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन थे, और ज़्यादातर उसके आंसर जो थे ऑप्शन, आपको ऑप्शन जो पर्याय दिया गया था उसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आ जाता था, इजी क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन। और उसके बाद जो ग्रुप ए के 5 क्वेश्चन जो पूछे थे इंडस्ट्री 4.0 पे, तो उसका भी जो स्टैंडर्ड था थोड़ा मीडियम टाइप का था, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन कौन से थे इंडस्ट्री की 4.0 की इसमें देखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस आपको इतनी गुजारिश है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई थोड़ा थेरोटिकल अच्छे से कीजिए, डीपली कीजिए, क्योंकि ऊपर ऊपर के क्वेश्चन अभी पेपर में नहीं पूछे जा रहे और अदर ट्रेड के भी क्वेश्चन डाले जा रहे, इसलिए थोड़ा अदर ट्रेड का भी नॉलेज रखिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। कल का जो पेपर था उसमें जो हम आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि 5 जून शिफ्ट वन का जो पेपर था, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें जो 5 क्वेश्चन कॉमन सिलेबस से और 5 क्वेश्चन ग्रुप ए से आए थे, तो उसमें जो पहले 5 क्वेश्चन कॉमन सिलेबस से जो आए थे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इंडस्ट्री 4.0 में जो पूछा गया था कि विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी 4.0, तो जिन्होंने भी ये 4.0 के ऊपर वीडियो देखा है हमारे चैनल में, तो उनके ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो थे ईजी लेवल के थे। तो विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजी 4.0, तो इसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कौन सी तकनीक आमतौर पर 4.0 से जुड़ी होती है, तो इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो बहुत ही इसका जो आंसर अगर अपन देखेंगे तो उसमें जो ज़्यादा कठिन इसका आंसर नहीं था, तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसको आप रेड मार्क कर दीजिए कि कौन सी तकनीक आमतौर पर तकनीक 4.0 से जुड़ी होती है। उसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से जो भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 दिखा था, तो क्वेश्चन 2 में जो दिखा था कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ इंटेलिजेंस इन AI में इंटेलिजेंस का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो AI में इंटेलिजेंस का जो मुख्य लक्ष्य होता है इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका जो आंसर जो ऊपर दिया गया है वो गलती से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे लिख दिया है। तो व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ इंटेलिजेंस इन AI, इसका जो AI में इंटेलिजेंस का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो इसका अगर आंसर देखेंगे तो ये आंसर आपको सामने नज़र आ जाएगा कि रीजनिंग, नॉलेज प्लानिंग एंड लर्निंग के लिए जो होता है वो इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। अभी ऑप्शन को आप में ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से कोई एक वर्ड दिया गया रहेगा या 2-3 वर्ड भी दिए गए रहेंगे, तो आपको इसमें से चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, व्हाट इज़ द
प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग IIoT इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो निर्माणी सुविधा में IIoT का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन जो था आपको पूछा गया था। इसके बाद जब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे, हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन खाली 4.0 इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपके वो उसके बारे में इधर बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री 4.0 का जो कॉमन सिलेबस है सभी ट्रेड के लिए, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू इंटरप्रेनर्स, तो इसका जो हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो भारत में कौन सी संस्था उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण और स्किल प्रदान करती है, तो इसका जो आंसर आपको देना था वो देना था ऑप्शन में था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर था। और ये IMP क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाकी के शिप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको टिक मार्क करके रख दीजिए। इसके बाद जो कॉमन सिलेबस में पाँचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि मेन एडवांटेज ऑफ AR ओवर VR, ठीक है, तो VR पर AR का मुख्य लाभ क्या है, इस पांचवे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि AR क्या होता है। तो AR मतलब होता है, जो कि AR का लॉन्ग फॉर्म ओपन देखेंगे तो AR का जो लॉन्ग फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आर्गुमेंटेड रियलिटी जो होता है इसका लॉन्ग फॉर्म होता है आर्गुमेंटेड रियलिटी, और VR का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो एक पांच क्वेश्चन कॉमन सिलेबस के ऊपर बने थे। इसके बाद जो पांच क्वेश्चन बने थे, मतलब छठे नंबर से दसवें नंबर तक, वो थोड़े मीडियम साइज के थे, तो मीडियम साइज मतलब थोड़ा लेवल हार्ड था उसका, लेकिन अगर आप थोड़ा जोर डालते थे क्वेश्चन भी आपके बन जाते थे। तो इसमें जो छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण अनुकूल इंजीनियरिंग पद्धति क्या है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन था कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग कॉमन स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा जो संगठन है इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य मानक है, तो इसको अगर आप नेट पे भी सर्च मारोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आठवां क्वेश्चन है कि वाई आर सेंसर प्ले विटर रोल इन IIoT सिस्टम, तो IIoT सिस्टम में सेंसर का मुख्य जो भूमिका होती है, सेंसर जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन सी निभाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर जो 9 था कि हाउ मेनी द डिफिकल्टी ऑफ इंटरग्रेटिंग लेजेंसी सिस्टम इम्पैक्ट द रोल आउट ऑफ IIoT एंड, और आखिरी का जो दसवें नंबर का जो क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जी कोड यूज इन CNC मशीन, तो CNC मशीन में जी कोड का यूज क्यों किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जी कोड और एम कोड बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे जी कोड और एम कोड के ऊपर पिछले वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजी लाया जाएगा। तो जी कोड का यूज जो होता है CNC मशीन में प्रोग्रामिंग के लिए होता है, और प्रोग्रामिंग के द्वारा जो जॉब अपन ऑपरेशन करते हैं उसके लिए जो जी कोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो 10 क्वेश्चन 4.0 पे बन रहे थे, हमने तो 6-7 क्वेश्चन पकड़ के चले थे, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, और पेपर का लेवल जो है थोड़ा हार्ड बनाया गया है, इसलिए थोड़ा आपको जो पढ़ाई भी है थोड़ा डीपली करनी पड़ेगी। और ये जो 10 क्वेश्चन है उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन है 5 पहले वाले वो तो आपको इजीली आ जाएंगे, लेकिन आखिरी के जो 5 क्वेश्चन उसके लिए आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली जो थेरोटिकल क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं उस थेरोटिकल के क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिनके पेपर हो गए हैं उनसे आप इस पेपर के बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड पेपर था तो ईजी पेपर नहीं है, और जिन्होंने भी पढ़ाई की है उनको ये पेपर जो है तो पेपर का जो स्टैंडर्ड है पता चल जाएगा कि कैसा है, ठीक है। तो मैंने मेरे दोस्तों से जो बात की उसमें ही पता चला कि पेपर का जो स्टैंडर्ड था थोड़ा हाई लेवल का था, तो इसलिए आपको पढ़ाई भी थोड़ी डीपली करनी पड़ेगी। आपके आगे आने वाले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।